ओके सो आर यू कंफर्टेबल विथ हिंदी? यस सर, यस यस, सर, ठीक सो मेरा स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ अभी। है सर। सो स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, देखिए सर। तो हमारा टॉपिक है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन मीन्स इट्स ए वन टेक्निक ऑफ एसईओ। सो वी आर क्रिएटिंग बैकलिंग इनसाइड डिफरेंट वेबसाइट। ओके, वी आर क्रिएटिंग बैकलिंग। बैकलिंग मीन्स व्हाट? लिंक बिहाइंड योर कीवर्ड्स, लिंक बिहाइंड योर कीवर्ड्स। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, दिखाई दे रहा है ना ठीक से? दिखाई दे रहा है सर। बैकलिंग मीन्स सपोज हाउ टू क्रिएट बैकलिंग। द टेक्निक फॉर क्रिएटिंग बैकलिंग इज ए एच आर ई एफ एच आर यस ए एच आर ई एफ आर ई एफ इक्वल टू योर यू आर एल, मीन हुई यू आर एल यू वॉन्ट टू रिडायरेक्ट। ओके, दिस इज द वेब पेजेस और यू आर एल, वेब पेजेस। और यू आर एल, ओके, एंड योर टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स दिस इज द कीवर्ड्स, keywords end of a. so this is the syntax for hyperlink. hyperlink हम ऐसे create करते हैं, ठीक है? so जो syntax है a h r e f your website u r l and keywords. तो off page में क्या करेंगे? off page में हम ये वाला जो keyword को हम दूसरा website में apply करेंगे, ठीक है? वो off page जो u r l होता है ये वो तुम्हारा website का u r l है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा जो हाइपरलिंक है वो टू टाइप का होता है। एक नो फॉलो होता है, नो फॉलो हाइपरलिंक, ठीक है? नो नो फॉलो और डू फॉलो, डू फॉलो, ठीक है? तो नो फॉलो बाय डिफॉल्ट योर हाइपरलिंक इज व्हाट? डू फॉलो। तो हम कुछ नहीं लिखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट डू फॉलो हाइपरलिंक होगा, ठीक है? तो उसको कैसे नो फॉलो कैसे करेंगे? तो नो फॉलो करने के लिए सेम हाइपरलिंक को डायरेक्ट चीज लिखेंगे, रियल रियल रिलेशनशिप इक्वल टू व्हाट? नो नो फॉलो फॉलो। तो ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया नो फॉलो हाइपरलिंक, ठीक है? तो अभी हम एसईओ का जो ऑफ पेज पढ़ रहे हैं, तो ऑफ पेज में डिफरेंट टेक्निक हम जानेंगे, डिफरेंट क्या क्या टेक्निक है और क्या क्या ऑफ पेज क्यों ज़रूरत है। एक वेबसाइट के लिए ऑफ पेज क्या है? बेसिकली क्या होता है कि वेबसाइट को हम वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज करना है। अल्टीमेटली हम एसईओ क्यों कर रहे हैं? बैकलिंक जनरेट करना है, बैकलिंक ज़्यादा जनरेट। क्यों? योर बैकलिंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर व्हाट? ट्रैफिक एंड रैंकिंग। योर वेबसाइट वेबसाइट बैकलिंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली सॉरी योर व्हाट? योर ट्रैफिक और रैंकिंग। वेबसाइट ट्रैफिक और
और रैंकिंग रैंकिंग तो ज़्यादा हमारा बैकलिंग क्वालिटी बैकलिंग हम जनरेट करेंगे तो जितना ज़्यादा क्वालिटी बैकलिंग हम जनरेट करेंगे तुम्हारा वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज होगा और रैंकिंग इंक्रीज होगा। तो ये वाला जो बैकलिंग हम जनरेट करेंगे तो रैंडमली तो जनरेट नहीं करेंगे ना, तो उसको हम जो वेबसाइट को हम रिसर्च करेंगे उस वेबसाइट का जो पीआर होता है पेज रैंक एंड डोमेन अथॉरिटी शुड बी मोर देन 5 and 50। सो हाई आई एम राइटिंग हियर 5 बिकॉज पीआर ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम 10, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 5 एंड डीए मींस डोमेन अथॉरिटी, पीआर मींस पेज रैंक, ओके पेज रैंक, पीआर मींस पेज रैंक, डीए मींस डोमेन अथॉरिटी एंड PR always calculated from 10 and DA always calculated from 100. So if you are doing any, if you are creating any backlink, it should be your PR should be more than 5 and DA should be more than 50. So why we are doing this type of things, why we are doing? Because we want quality backlink. Okay. In SEO, quantity does not matter. Quantity ka kuch zarurat nahi hai. Hum जो बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं उसका क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी कैसे होगा? क्वालिटी डिपेंड करेगा तुम्हारा पेज रैंक और डोमेन अथॉरिटी के ऊपर और कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है? कौन सा? अच्छा कीवर्ड जो रिसर्च कीवर्ड हम किए थे, जो कीवर्ड प्लानर में रिसर्च किए थे ना, वो वाला जो कीवर्ड प्रॉपर कीवर्ड हम डालेंगे, ठीक है? सो दैट की तुम्हारा वेबसाइट का जो बैकलिंक होगा उसको बोलते हैं क्वालिटी बैकलिंक, ठीक है? तो उसके लिए बहुत सारा टेक्निक है SEO जो अप पेज एक्टिविटी के लिए, बहुत सारा टेक्निक है। तो फास्ट टेक्निक मैं बोल रहा हूँ, वन इज योर सोशल बुक मार्किंग। व्हाट इज दैट? सोशल बुक मार्किंग। सो सोशल बुक मार्किंग क्या है, ठीक है? सोशल बुक मार्किंग एक टेक्निक है SEO का। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वेबसाइट का बैकलिंक जनरेट करते हैं, ठीक है? तो उसको हम कहाँ से मिलेगा सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट? गूगल को जाना है, इधर तो ये वाला चीज़ वेबसाइट में मिल जाएगा। देखो रेडिट है, ये लिस्ट रेडिट है, मिक्स है, स्कोप इट है। सो देखो ये वाला जो चीज़ है पी आर है डी है, ठीक है? तो इसका रेडिट का पेज रैंक कितना है? 8 है एंड उसका 8 है रेडिट। तो उसका 8 है सर। हाँ उसका डी ए 90 98 है। तो उसको हम हाँ उसमें कैसे हम लिंक बिल्डिंग करेंगे? तो ये वाला जो साइड है रेडिट का साइड है, तो उसमें पहले हम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा रेडिट में। इसमें एक साइन अप ऑप्शन है, सब में जितना भी सोशल बुक मार्किंग साइट है उसमें हम साइन अप पहले करेंगे। तो इसमें साइन अप करने के लिए मेल आईडी देना पड़ेगा शायद, ये वाला मेरे पुराना है, उसको थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो ये वाला एक सुपर वीजा एक नाम का एक है, तो वो वाला पहले से रजिस्टर हो गया है, तो उसको मैं टेस्टिंग बेसिस में आपको दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली मानो रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड ये सब कुछ डालना है। तो उसके बाद आपका जो प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाएगा, एक मेल का वेरिफिकेशन मेल जाएगा, उसको वेरिफिकेशन कर देने से ये प्रोफाइल क्रिएशन इज़ वेरी इजी, ठीक है? ये इसमें कुछ मतलब समझने के लिए नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है? प्रोफाइल क्रिएशन बहुत ईजी है। तो ये वाला चीज़ प्रोफाइल क्रिएट हो गया, उसमें एक क्रिएट पोस्ट है, पोस्ट को जाना है, इधर चूज करना है, मतलब
कौन सा फील्ड के लिए हम लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, सपोज हाँ उसका कैटेगरी चूज करना है, तो सपोज वी आर डूइंग फॉर एजुकेशन, सो कैन सर्च योर एजुकेशन, सो तो आपको यहाँ से एजुकेशन का मिल गया, देन यू विल गेट हाउ मेनी सब्सक्राइबर अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, सो यू कैन गेट द लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स, सो गॉट माई पॉइंट, एंड हाउ मेनी सब्सक्राइबर आर ऑनलाइन, आई मीन नाउ हाउ मेनी कस्टमर आर, आई मीन हाउ मेनी यूजर आर ऑनलाइन ऑन दिस वेबसाइट, ठीक है, इसका इस कैटेगरी से कितना यूजर ऑनलाइन है, इसका मतलब है, ठीक है, तो इसमें आप इसमें आपको लिंक डालना है, टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, और इमेज डालना है और कैटेगरी चूज करके पोस्ट कर देना है, तो सो ये दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसीजर, तो क्रिएशन फॉर क्रिएटिंग बैकलिंग इन सोशल बुक मार्किंग, सोशल बुक मार्किंग ये बहुत ईजी है, आप तो पहले कर चुके हैं ये वाला चीज़, आपको पता है रेडिट में कैसे करते हैं, तो वो रेडिट एक एग्जाम्पल में दिया, ऐसे होता है, और भी बहुत सारे साइड है उस सेम प्रोसीजर में होता है, ठीक है, तो रेडिट के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, रेडिट को कैसे करोगे, मैं उसको उसके बाद डिलीट कर दूंगा, सपोज आई एम डूइंग लिंक बिल्डिंग फॉर माई वेबसाइट सार सॉफ्टवेयर, इंटरनेट वेरी स्लो, लेट मी गो टू द व्यू सर्च पेज, हाँ तो उसमें क्या करना है आपको, टाइटल लेना है, टाइटल को कॉपी करो, ठीक है, हुआ सर, तो ओके उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इज ऑप्शनल, सो वेयर यू गेट द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इज हियर, ठीक है, तो देन पोस्ट, ओके सो दिस इज द बैक लिंक फॉर व्हाट, सो दिस इज द वन बैक लिंक फॉर व्हाट, यू कैन चेक योर कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिजिटल मार्केटिंग, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज द यूआरएल फॉर दिस वेबसाइट, एंड दिस इज वन पोस्ट, okay this is one post and this is treated as what, this is one treated as one backlink, theek hai, so ye reddit ka hai aur bhi bahut sara website hai, bahut sara tumblr hai, mix hai, scopeed hai, diggo hai, so isme sab kuch create karna hai, profile create karna hai aur जो यू टाइटल और डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड को लेकर वेबसाइट में डालना है, इस वो वाला वेबसाइट में डालना है, ठीक है, सबका यूजर आईडी पासवर्ड करके इसको सेव करना है, हाँ, जितने बार करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है सर, हाँ राइट, सो ये वाला जो सोशल बुक मार्किंग है आपको समझ में आ गया, जी सर जी आ गया, तो ये तुम्हारा टैक्स मैं असाइन कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीक को हम इसको सोशल बुक मार्किंग का जो तुम्हारा जो साइड है, जो भी साइड में तुम कर रहे हो, तो इसको बनाना है, बैकलिंक बना के एक लिस्ट बना के मेरे को सेंड करना है, जी सर, हाँ जी सर, तो और एक क्या है, सर्च इंजन समिशन, सर्च इंजन समिशन समिशन, सर्च इंजन समिशन में क्या होता है कि हम डिफरेंट, ये वाला एक वेबसाइट है freewebsubmission.com, इसमें जो भी यूआरएल को तुम लिंक बिल्डिंग कर रहे हो,
वो वाला पर्टिकुलर यूआरएल को रिक्वेस्ट देना है कि उसको सबमिट करना है ये वाला वेबसाइट में। तो कैसे करोगे? ठीक है, ये वाला हो गया है, गूगल में कर दिया हूँ ये वाला वेबसाइट, तो उसको करना नहीं है, सपोज बिंग में करना है, तो बिंग का अकाउंट में साइन अप करना है और उसके बाद होगा। अभी मैं एक इसमें तो साइन अप नहीं करेंगे, अभी मैं और एक एग्जांपल दे दूँगा जो जिसका साइन अप नहीं जाए। हाँ, ये एक वेबसाइट है, इसका इसमें हम सर्च इंजन सबमिशन करेंगे, तो सर्च इंजन सबमिशन में ये वाला जो चीज़ है इसमें हम सपोज वेबसाइट यूआरएल का सर्च इंजन सबमिशन कर रहे हैं, ये वाला वेबसाइट को इधर डालेंगे गो। तो वो बोल रहा है कि लॉगिन करने के लिए, तो अकाउंट क्रिएट करोगे इधर। हाँ, तो अकाउंट करने के बाद ये वाला लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद फिर से सबमिट होगा, सबमिट उतना ही और कुछ नहीं, और सिमिलर साइट सेम टू सेम। इसमें वेबसाइट का नाम डालना है, ठीक है, उसका कैटेगरी चूज करना है कि कौन सा कैटेगरी है, उसको डिस्क्रिप्शन देना है, तो ईमेल देके सबमिट करना है और कुछ नहीं। और दिखा रहा हूँ, ये क्या है, एंटर वेब स्टार्ट सर्च हियर, देखो अभी सार सॉफ्टवेयर का जितना भी साइड इंडेक्सिंग हुआ है सब कुछ आ रहा है इधर। हाँ, इजी काउंटर में है, ठीक है। तो नहीं होगा तो इंडेक्सिंग नहीं होगा, तो इसको हम सर्च इंजिन मतलब क्या है, सर्च इंजिन मतलब क्या है, डिफरेंट जो सर्च इंजिन है गूगल देन बींग और एक बहुत सारा भी वेबसाइट का सर्च इंजिन है, उसमें हम रिक्वेस्ट दे रहे हैं कि हमारा वेबसाइट को इंडेक्सिंग करने के लिए। पहले पहले क्या होता है, तुम्हारा जो शुरू शुरू में वेबसाइट जो होता है ना उसको गूगल नॉर्मली जो यूआरएल को इंडेक्स नहीं करता है, कुछ टाइम लेता है। हम क्या करते हैं सर्च इंजिन में, सर्च इंजिन सबमिशन में हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं क्या मतलब गूगल को कि ये वाला वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए, ठीक है। हाँ, ये एक एग्जांपल है, सपोज ये दिस इज द यूआरएल और ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, हो गया। प्लीज़ वेरीफाई योर मेल, तो मेल वेरीफाई, मेल में कोड देना होगा। हाँ, मेल को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आ गया, दिस इज वेरीफाइड, ओके, यस, तो ये सक्सेसफुल हो गया ना, तो सबमिशन रिसीव हो गया। तो योर फ्री लिस्टिंग विल बी एडेड टू आवर इंडेक्स आफ्टर 90 डेज, फ्री लिस्टिंग इज नॉट गारंटेड, फ्री लिस्टिंग गारंटेड नहीं है, तो 90 डेज में भी हो सकता है, डिफरेंट फ्री लिस्टिंग होता है। फ्री लिस्टिंग का कुछ कुछ वेबसाइट में और लिस्टिंग करते हैं और कुछ कुछ नहीं करते हैं, डिपेंड करता है वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हुआ क्या, तुम्हारा सर्च इंजन सबमिशन, देन ब्लॉगिंग क्या होता है, तो नेक्स्ट चीज़ बोलूँगा ब्लॉग। तो ब्लॉग, ब्लॉग का मतलब क्या है, आपका कुछ आइडिया बोलो, व्हाट इज ब्लॉग? ब्लॉग एक ये वेबसाइट की तरह होता है जिसमें आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं,
और अपने बारे में कि आप इस कंपनी के बारे में कि इस सब इस मुझे लगता है यही ब्लॉग देखिए बोलते हैं। बेसिकली ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग है एक एक वेबसाइट का जो इन्फॉर्मेशन होता है उसमें टाइटल रहता है ब्लॉग में, ठीक है, और उसका जो कंटेंट इन्फॉर्मेशन रहता है ब्लॉग का, देन कमेंट्स जी रहता सर है। हाँ वेबसाइट इज़ डिफरेंट, ओके। हाँ वेबसाइट इज़ थ्री टाइप्स, वन इज़ योर व्हाट बिजनेस वेबसाइट, देन ब्लॉग वेबसाइट, देन ई कॉमर्स वेबसाइट। से ब्लॉग वेबसाइट इज डिफरेंट, ब्लॉग वेबसाइट मीन्स बिजनेस वेबसाइट मीन्स इट्स इट मे बी योर सर्विस रिलेटेड वेबसाइट और मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट, लाइक सॉफ्टवेयर कंपनी जो काम होता है वो सॉफ्टवेयर कंपनी का जो वेबसाइट वो क्या है, वो सर्विस वेबसाइट है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो वेबसाइट होता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। और तुम्हारा जो ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होता है, जो प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं। हाँ, तो ये वाला तुम्हारा हुआ ई कॉमर्स वेबसाइट। और ब्लॉग वेबसाइट यही होता है, इसमें तुम्हारा टाइटल रहता है और डिस्क्रिप्शन रहता है, सब एक टॉपिक का रिलेटेड है, एक टॉपिक को टारगेट करते हो, ठीक है, एक टॉपिक को पर्टिकुलर टॉपिक वे टारगेटिंग सम पर्टिकुलर टॉपिक इन ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। तो इसमें आपको टाइटल रहता है और डिस्क्रिप्शन रहता है, और डिस्क्रिप्शन मीन्स इट्स ए ब्लॉग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देन योर कमेंट्स एरिया, कमेंट्स एरिया, ओके। एंड कमेंट्स एरिया में क्या रहता है, तुम्हारा नेम एक टेक्स्ट फील्ड रहता है, देन योर ईमेल आईडी, देन कमेंट्स, ठीक है। सो आई विल डिस्कस अबाउट द ब्लॉग कमेंटिंग लेटर। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज ब्लॉग वेबसाइट, ओके, हाउ टू ऑप्टिमाइज ब्लॉग वेबसाइट। So basically we are doing blogging in by the help of WordPress. So what is WordPress? So WordPress is a CMS. WordPress is a CMS. CMS means content management system. We are managing content from backend. ठीक है? सो बैकएंड से हम कंटेंट मैनेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो भी चीज़ लोगो डिज़ाइन, लोगो चेंज करना है, वेबसाइट का हेडर पैड चेंज करना है, बॉडी पार्ट चेंज करना है, फुटर पार्ट चेंज करना है, जो कुछ भी हम चेंज कर रहे हैं, सो बैकएंड से चेंज कर रहे हैं। सो बैकएंड से जो डेटा जा रहा है वो तुम्हारा सर्वर में इंटीग्रेट हुआ है, जो कुछ सपोज यू आर गोइंग टू चेंज द कंटेंट फॉर ए पर्टिकुलर वेबसाइट, सो व्हाट एवर डूइंग फ्रॉम WordPress backend, the automatically it will be changing in your website. So got my point? Yes. So ये वाला जो चीज़ होता है ना, तुम्हारा WordPress का काम होता है। WordPress is a one CMS. And what is the plus point and what is the advantage of WordPress? In WordPress we can designing business website, blog website, as well as e-commerce website. So that's why we are using WordPress. If you are designing any website, normal website and any application, it will take suppose 60 to 30 days, 60 to 90 days. In WordPress, you can design the same website within 15 days. So 15 days mein same website hum design kar sakte hain WordPress. So it's reduce your time. Okay. The point of time complexity by using WordPress. So apart from WordPress, there is lots of blogging website out there. Like Blogspot, Weebly, Wix, write it down, लिख दो ये सब कॉपी में। सो Wix है, Blogspot है, Wix है, Weebly है, Weebly, ठीक है। तो बेसिकली हम ब्लॉग का वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये हमारा मोटो है। सो हाउ टू क्रिएट ब्लॉग वेबसाइट। सो ब्लॉग वेबसाइट यू कैन क्रिएट इन टू प्रोसेस, टू वे, वन इज योर प्रीमियम ब्लॉग वेबसाइट, वन इज फ्री ब्लॉग वेबसाइट, ओके। वन इज प्रीमियम डोमेन ब्लॉग वेबसाइट, वन इज फ्री डोमेन वेबसाइट। व्हाट इज प्रीमियम एंड व्हाट इज फ्री, इधर इधर देखो, इधर सो
सो तुम्हारा डोमेन डोमेन में सपोज योर वेबसाइट नेम इज www.sarsoftware.com, सो ये वाला जो URL है तो ये क्या है, ये प्रीमियम डोमेन है, सो ये फ्री डोमेन नहीं है, तो इसको ये जो डोमेन हुआ है, ये डोमेन सर्वर से जो इंटीग्रेट हुआ है, वो किस टाइप का डोमेन है, वो प्रीमियम टाइप का डोमेन है। और फ्री टाइप का डोमेन कैसे होता है, जैसे कि वर्डप्रेस में फ्री टाइप का URL हम जो बनाते हैं, जैसे कि sarsoftware.wordpress.com, ये वाला फ्री होता है। हाँ फ्री होता है, उसको पेमेंट देना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, तो उसका एक्सटेंशन ऐड होता है। नॉर्मली जिसका जो भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो ब्लॉक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो देखो इधर है प्रीमियम का है, जो इसमें भी वर्डप्रेस का प्रीमियम का है भी है। हाँ आप इसमें स्पेस ले सकते हैं, आप इसमें डोमेन का फ्री डोमेन भी ले सकते हैं, 1 ईयर के लिए फ्री है, उसका पैकेज है समथिंग 250, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल, तो डिजिटल टैलेंट के लिए मैं क्रिएट किया था, ये वाला एक ब्लॉग सेक्शन है, सो दिस इज द ब्लॉग सेक्शन एंड व्हाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज नेसेसरी, व्हाई योर वेब डेवलपमेंट कोर्स इज नेसेसरी, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द टाइटल अबाउट योर ब्लॉग एंड दिस इज द रिलेटेड, दिस इज द इन्फॉर्मेशन, ये आपका इन्फॉर्मेशन ब्लॉग इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हाँ तो इसको बोलते हैं ब्लॉग, ये वाला जो ब्लॉग है, ये वाला जो ब्लॉग है, ये तुम्हारा प्रीमियम डोमेन में है, तुम्हारा वेबसाइट में जो पर्टिकुलर प्रीमियम डोमेन में तुम्हारा वेबसाइट में ब्लॉग रहेगा, तो उसको प्रीमियम ब्लॉग बोलते हैं। और फ्री ब्लॉग किसको बोलते हैं, वो वर्डप्रेस का जो फ्री वेबसाइट जाकर आप कुछ क्रिएट करोगे तो उसको फ्री ब्लॉगिंग बोलते हैं। तो हम एक फ्री का ब्लॉगिंग क्रिएट करेंगे इन वर्डप्रेस, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग द बैकलिंक, ओके। सो मैं आपको बोल दिया लिस्ट ऑफ ब्लॉगिंग वेबसाइट, वन इज वर्डप्रेस, देन ब्लॉगस्पॉट, देन वेबली, देन वीक्स, ओके। सो ब्लॉगस्पॉट इज वन प्रोडक्ट ऑफ गूगल एंड वर्डप्रेस, वर्डप्रेस तो पता है, वर्डप्रेस एक CMS वेबसाइट है, CMS है। सो लेट मी स्टार्ट विथ वर्डप्रेस, सो वर्डप्रेस इज वर्डप्रेस हैव टू वेबसाइट, वन इज wordpress.com, देन अनदर वन इज wordpress.org। सो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन wordpress.com एंड wordpress.org, wordpress.org इज जस्ट प्रोवाइडिंग द प्रोग्रामिंग फाइल ऑफ वर्डप्रेस, ओके। दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन, सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन योर wordpress.org एंड wordpress.com, बेसिकली यू कैन गेट द वर्जन ऑफ वर्डप्रेस योर 5.1.1, ठीक है, ये वर्डप्रेस का वर्जन है, दिस इज द प्रोग्रामिंग फाइल एंड दिस डेवलप इन PHP। सो इसको क्या, इसको हम 4 o'clock इसको जब हम इंस्टॉल करेंगे, ये वाला फाइल को हमको वेब सर्वर में अप्लाई करना है। जी सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सिस्टम में आप स्काइप इंस्टॉल करने के लिए क्या कर रहे हो, यूजर आईडी पासवर्ड देख के करना पड़ता है। हाँ एक वेरिफिकेशन कोड के, हाँ एक स्काइप के लिए exe फाइल डाउनलोड करते हो, उसको रन करते हो और साइन अप करते हो। सो वर्डप्रेस के एक CMS है, उसको हम वेबसाइट में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ये वाला फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये वाला फाइल कहाँ मिलेगा, तुम्हारा wordpress.org/downloads। सो दिस इज द वर्डप्रेस वेबसाइट वेयर वी कैन गेट द वर्डप्रेस प्रोग्रामिंग फाइल, CMS प्रोग्रामिंग फाइल। सो व्हाट इज .com, दिस इज वर्डप्रेस बिजनेस वेबसाइट। सो व्हाट इज दैट, सी वाला क्या है, ये बिजनेस वेबसाइट है, गॉट माई पॉइंट, बिजनेस।
तो बिजनेस वेबसाइट मतलब उसका बैरियर में वो लिखा है, सो व्हाट इज वर्डप्रेस, वो क्या करता है, उसका पैकेज क्या है, और उसका प्लस पॉइंट एडवांटेज क्या है, सब कुछ उसमें लिखा है, ठीक है। सो इजी टू यूज़, सो व्हाई वी आर यूजिंग वर्डप्रेस, सो इट्स यूजर फ्रेंडली एंड ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मीन्स इट इज फ्री टू डाउनलोड। इफ एनी प्रोग्रामिंग फाइल वी आर डूइंग डाउनलोड्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स नोन एज ओपन सोर्स। गॉट माई पॉइंट? सो वर्डप्रेस इज ए ओपन सोर्स फाइल बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग, वी आर नॉट गिविंग एनी चार्जेस, वी आर नॉट, वर्डप्रेस इज नॉट चार्जिंग एनी अमाउंट। सो आपको इधर डाउनलोड करने के लिए कुछ चार्जेस आप पे कर रहे हैं? नहीं सर, कुछ पे कर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो फ्री टू डाउनलोड हुआ ना। सो दिस इज, दिस इज द फ्री टू डाउनलोड एंड इट्स नोन, टेक्निकली इट्स नोन एज योर ओपन सोर्स। एंड सो और एक पॉइंट है इसमें, सो हम क्या कर रहे हैं, हम फ्री वाला क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्री वाला वर्डप्रेस ब्लॉगिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें आपको मेल आईडी देना है, यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है, ठीक है। मैं देता हूँ, एक मेरा मेल आईडी है, शायद ये रजिस्टर है नहीं, पता नहीं, कोशिश करते हैं। दिस यूजर इज नॉट अवेलेबल, डिफरेंट ईमेल आईडी, सो लेट मी, आई थिंक दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर, सो लेट मी कंटिन्यू विद दिस मेल आईडी। तो इसमें ऑलरेडी क्या है, वर्डप्रेस का जो फ्री ब्लॉगिंग मैं क्रिएट कर चुका हूँ, तो और एक क्रिएट करेंगे, ठीक है, बिजनेस का, फॉर ट्रैवल एजेंसी, एंड यू गेट योर लिस्ट ऑफ टेम्पलेट हियर। साइट नेम मीन्स दिस इज योर यू आर एल नेम। सो यू आर एल, व्हाट इज यू यू आर एल? यू आर एल मीन्स योर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओके। यू आर एल मीन्स योर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, योर वेबसाइट यू आर एल, सपोज www.xyz.com, ओके। सो www मीन्स योर वर्ल्ड वाइड वेब, xyz इज योर डोमेन नेम, एंड .com इज योर एक्सटेंशन, इट मे बी योर .com, .org, .edu, .edu मीन्स फॉर एजुकेशन, .com फॉर कॉमर्स, .org फॉर ऑर्गेनाइजेशन, .in मीन्स इंडिया, .co.in मीन्स कॉर्पोरेशन इन इंडिया, ओके। So, okay, so what is that? This is the website URL. Okay. So uska pehle ek hota hai tumhara HTTP and HTTPS. So what is that? HTTP and HTTPS. So HTTP means Hypertext Transport Protocols. What's that? And HTTPA means Hypertext Transport Protocol and Secure. So secure means, what is the difference between HTTP and HTTPS? HTTPS means this website register under your SSL certification. Yes, okay. And you, why we are doing your website HTTPS? It's a one encryption form. Okay. So hacking purpose ke liye jo tumhara abhi mera jo website hai, website mein online transaction chal raha hai. To isko main HTTPS secure kiya hu. To uska matlab hai connection is secure. That means your information, for example, password or credit card numbers are private when it is sent to this site. Okay, so all the information are confidential. So your information, for example, passwords and credit cards is private when it is sent to this site. So normally payment mein kya karte ho aap? Jo online payment karte ho, kya karte ho? उसका IFSC कोड लेते हैं, अकाउंट नंबर लेते हैं,
उसके बाद अमाउंट पेड करते हैं। हाँ, तो आपको कुछ पता नहीं होता, आप डायरेक्टली वेबसाइट में दे देते हो, तो कोई आपका वेबसाइट का जो क्रेडिट कार्ड आपका इन्फॉर्मेशन पासवर्ड लेके हैक कर देगा तो आपका मतलब अकाउंट को क्या होगा? बहुत लोग ऐसे तो होता है, ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो इसको एनक्रिप्ट फॉर्म में रखने के लिए, एनक्रिप्ट मतलब क्या है, तुम एक सपोज आई एम राइटिंग वन थिंग लाइक सुज्ञान, आई नेम सुज्ञान 1 2 3। तो एनक्रिप्ट का एक MD5 होता है, PHP का एक कोड होता है MD5 फंक्शन, उसका अंदर में एक वेरिएबल हम ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज आई एम डिक्लेयरिंग हियर इंट एक PHP का है, सी का लिख रहा हूँ। सपोज वेरिएबल इंट ए, एक वेरिएबल, हाँ डेटा टाइप वेरिएबल है ए इक्वल टू, तुम्हारे वेरिएबल में ये जो वेरिएबल में जो वैल्यू आएगा वो MD5 का अंदर में जाएगा। इसका मतलब है जो भी डाटा ए का अंदर में आएगा, जो वैल्यू में आएगा, वो वेरिएबल में आएगा वैल्यू, वो तुम्हारे एनक्रिप्ट फॉर्म में जाएगा। गॉट माई पॉइंट? सो टेक्निकली बोल दिया मैं ये उसका चीज़ फ्लो, इसका मैं बोल दिया। हाँ दिखा, सो इसको हम लिखते हैं, एक वेबसाइट का नाम है ट्रिफ भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ये वाला वेबसाइट ऑलरेडी ले चुका है, तो हम और एक साइट चूज करते हैं। ओके So before selecting domain, you need to discuss what is URL mapping. Okay. So you got it? What is URL? So URL mapping means. So can you hear me? Ashish, yes, sir. सुनाई दे रहा है मेरे बात? सुनाई दे रहा है सर। हाँ. तो URL mapping का मतलब यही है कि तुम्हारा वेबसाइट में कुछ URL में कुछ keyword, research keyword अप्लाई होना चाहिए, ठीक है? और एक चीज़ है, वेबसाइट का जो लेंथ है ना, उसको मतलब बहुत सारा लोग वेबसाइट का जो URL को मतलब ज़्यादा लंबा कर देते हैं, उसको शॉर्ट रखना है। जैसे कि हमारा वेबसाइट URL का नाम है sarsoftwares.com। सो ये क्या हुआ कि तुम्हारा दिस इज द ब्रांड नेम sarsar, देन tcs.co.in। तो उन लोगों ने टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज .com क्यों नहीं कर रहे? जितना इस्तेमाल करना है उतना अच्छा है। हाँ, तो वेबसाइट URL को शॉर्ट करना है, तो दिस इज आई ऑलरेडी हैव इन्फॉर्म अबाउट, इंस्टेड ऑफ अंडरस्कोर यू नीड टू राइट व्हाट हाइफ़न। तो ये वाला चीज मैं बोला था आपको, सो याद है ना? भूल गए हो सब कुछ? नहीं सर, याद है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ सॉफ्टवेयर SOFT सॉफ्टवेयर _ डेवलपमेंट _ कंपनी। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। सो वी आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ स्पेस, सो इफ आई एम गोइंग टू राइट सॉफ्टवेयर -डेवलपमेंट -कंपनी। तो व्हाट डज इट मीन? सॉफ्टवेयर स्पेस डेवलपमेंट स्पेस कंपनी। गॉट माय पॉइंट? ओके। एंड व्हाट इज डायनामिक URL, व्हाट इज स्टैटिक URL? स्टैटिक URL मींस
डायनामिक यूआरएल में क्या होगा, आपको डायनामिकली जो बहुत सारे पेजेस हैं एक के बाद एक पेजेस डायनामिक इस पेज से उस पेज, उस पेज से वो पेज आप जा सकते हैं, लेकिन स्टैटिक पेज वो हुआ स्टैटिक पेज एक ही पेज है उसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन है। डायनामिक पेजेस में क्या होता है, तुम्हारा एट द टाइम ऑफ एट द रियल टाइम एट द टाइम ऑफ एट द रॉन्ग टाइम इफ द यूआरएल इज चेंजिंग इफ द यूआरएल इज चेंजिंग तो उसको डायनामिक यूआरएल बोलते हैं। तो उसका ड्रॉबैक्स क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है, ड्राइवबैक डायनामिक यूआरएल को गूगल इजीली इंडेक्सिंग नहीं करता है, ठीक है। तो वी नीड टू कन्वर्ट डायनामिक यूआरएल टू स्टैटिक यूआरएल बाय द हेल्प ऑफ एक्सटी एक्सेस फाइल। सो एक्सटी एक्सेस प्रोग्रामिंग फाइल होता है, उसमें कोड लिखेंगे 301 रिडायरेक्ट 302 रिडायरेक्ट से करेंगे, ठीक है। तो डायनामिक यूआरएल को हम कन्वर्ट करेंगे स्टैटिक यूआरएल को थ्रू स्टैटिक यूआरएल। तो किसमें कन्वर्ट करेंगे, कौन कन्वर्ट कराएगा ये वाला चीज को, एक्सटी एक्सेस फाइल। XT एक्सेस फाइल कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो उसमें हम दो टाइप का रिडायरेक्ट कर सकते हैं, वन इज 301 रिडायरेक्ट 301 रिडायरेक्ट इज योर व्हाट, योर परमानेंट रिडायरेक्ट, व्हाट इज दैट परमानेंट रिडायरेक्ट। 302 इज टेम्पररी रिडायरेक्ट, ओके। So note it down, 301, 302. Yes, sir. So 301 में क्या होता है, 302 में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन सुनो पहले। 30 एक परमानेंट रिडायरेक्ट होता है, सपोज आपका एक वेबसाइट है, ठीक है। वो वाला वेबसाइट आपका बिजनेस का एक वेबसाइट है, वो वाला बिजनेस बंद हो गया आपका, ठीक है। तो आप वो वाला वेबसाइट चेंज करके, आपका वेबसाइट था www.xyz.com, ठीक है, आपका वेबसाइट चेंज होके xyzp.com हो गया। सपोज आपका बिजनेस 10 साल से है, ठीक है, वो वाला वेबसाइट में ट्रैफिक बहुत कुछ, क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन और लीड सब कुछ है, तो आप नया वेबसाइट क्रिएट करोगे तो वो वाला चीज़ मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। तो उसको पाने के लिए हमको 301 रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स व्हाट एवर कस्टमर यू आर इन योर ओल्ड वेबसाइट, योर ओल्ड वेबसाइट कस्टमर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट टू योर न्यू वेबसाइट। सो ये बेनिफिट है या बेनिफिट नहीं है, बेनिफिशियल है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा सपोज एक वेबसाइट का एसईओ किए हैं, उसका बहुत सारा जो ट्रिक्स है हम अप्लाई किए हैं, और डिज़ाइनिंग का जो ट्रिक्स है सब कुछ अप्लाई किए हैं, तो उसका जो कस्टमर उसको विजिट कर रहे हैं, ट्रैफिक है, तो उसको हम खोना नहीं चाहते, तो वो वाला ट्रैफिक को हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ 301 एंड 302। 302 का मतलब यही होता है कि उसमें टेम्पररी रिडायरेक्ट होता है, वेबसाइट रिडायरेक्शन होगा बट उसका जो ट्रैफिक, उसका जो इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं जाएगा, ओनली रिडायरेक्ट होगा। 301 रिडायरेक्ट में क्या होगा, उसका जो इन्फॉर्मेशन सब कुछ, उसका डिटेल और क्लाइंट लीड, ठीक है। तो क्लियर हो गए अभी क्लियर हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज द वेरी वाइटल क्वेश्चन इन इंटरव्यू क्वेश्चन, ओके। सो गो टू द पॉइंट, सो इसमें एक BBSR tripbbsr.blog है, .net है, .online है, देखो। सो दिस इज द फ्री यू आर एल, फ्री यू आर एल मीन्स यू आर गेटिंग एक्सटेंशन ऑफ वर्डप्रेस, दिस इज द डोमेन नेम डॉट वर्डप्रेस एक्सटेंशन डॉट योर वेबसाइट एक्सटेंशन, सिलेक्ट इट, स्टार्ट विथ फ्री,
डन। ओके तो इसमें क्या करना है, प्रीव्यू विजिट साइट, तो ये वाला क्रिएट हो गया ना, नहीं होया, ये वाला थीम को मैं चूज किया था। हाँ सर, तो हो गया क्रिएट। तो उसको लॉगिन करने के लिए फॉर लॉगिंग वर्डप्रेस वेबसाइट योर वेबसाइट यूआरएल / wp-admin, व्हाट इज दैट wp-admin, तो ये वाला वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। मैं उसको वर्डप्रेस बारे में आपको अच्छे से बोला हूँ, कैसे पेज क्रिएट करना है, कैसे पोस्ट क्रिएट करना है, ये वाला चीज़ आपको बोला हूँ, और कैसे कस्टमाइज करना है। तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए इसमें एक सेक्शन है ऐड न्यू पोस्ट, तो आपका वेबसाइट में किया था, ठीक है, वो वाला चीज़ को देखो कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसको मैं ज़रूरत नहीं बोलने के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करो। हाँ तो आज का टॉपिक जो आज का मतलब ट्रेनिंग में हम क्या कवर किए, योर ऑफ पेज क्या है, बैकलिंक क्या है, एक्सटर्नल लिंक क्या है, नो फॉलो लिंक, व्हाट इज नो फॉलो लिंक, व्हाट इज डू फॉलो लिंक, व्हाट इज 301 रिडायरेक्ट, व्हाट इज पीआर, व्हाट इज पीआर, व्हाट इज डीए। हाँ हाँ, तो नो फॉलो मीन्स इफ आई राइटिंग रियल रियल इक्वल टू नो फॉलो इन साइड योर हाइपर लिंक टैग, योर टैग हाइपर लिंक टैग इज ahrf इक्वल टू योर यू आर एल नेम स्पेस रियल इक्वल टू नो फॉलो। बाई डिफॉल्ट द वेबसाइट यू आर एल इज डू फॉलो, ठीक है, बाई डिफॉल्ट होता है डू फॉलो, नो नीड टू राइट डू फॉलो, डू नो फॉलो एंड डू फॉलो, डू फॉलो, सो डू फॉलो लिखना नहीं चाहिए, वो बाई डिफॉल्ट यू आर एल डू फॉलो होता है, ठीक है, ठीक है, नो फॉलो लिखने से वो वेबसाइट नो फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम ये वाला जो फोर चीज़ है, सोशल बुकमार्किंग, सर्च इंजिन एंड ब्लॉग, इतनी जो थ्री ट्रिक्स है, अब उसको प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में हम और ऑफ पेज एक्टिविटी में मतलब डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर।